भगवान शिव का ऐसा चमत्कार कहीं नहीं देखा होगा। शिव पार्वती की प्रतिमाओं से आती है ठंडी हवा। भीषण गर्मी में भी पुजारी ओढ़ते हैं कंबल। प्रचंड ठंड का असर अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अभी से गर्मी का एहसास शुरू हो चुका है और मार्च आते आते तक लोग ठंडी जगह ढूंढना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आज हम आपको उड़ीसा के एक ऐसे शिव मंदिर के दर्शन करवाएंगे जहां पर शिवलिंग से ठंडी हवा निकलती है। जी हां, सुनकर यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है। उड़ीसा के टिटलागढ़ शहर में स्थित इस शिव मंदिर में 2400 घंटे शिवलिंग से ठंडी हवा निकलती है। बता दे कि इस मंदिर में एसी तो क्या, पंखे का भी इंतजाम नहीं है। इसके बावजूद इस मंदिर में इतनी ठंड होती है कि पुजारियों को भीषण गर्मी में भी कंबल ओढ़ना पड़ता है। मंदिर उड़ीसा के एक पहाड़ के हिस्से में बना हुआ है। पथरीली चट्टानों वाले इस पहाड़ की ऊंचाई पर तापमान लगभग 55 डिग्री तक जाता है, लेकिन इस मंदिर में एसी से भी ज्यादा ठंडक रहती है। मंदिर के बाहर के वातावरण में जैसे जैसे धूप बढ़ती है वैसे वैसे मंदिर के अंदर ठंड बढ़ती जाती है। पुजारी बताते हैं कि मंदिर का दरवाजा बंद करने पर उस ठंडी हवा से पूरा मंदिर ठंडा हो जाता है। पुजारियों को कई बार कंबल भी ओढ़ना पड़ जाता है, जबकि उसी वक्त अगर कोई व्यक्ति मंदिर के बाहर 5 मिनट भी खड़ा हो जाए तो वह पसीने से नहा जाएगा। हालांकि आज तक इसका कोई स्पष्ट कारण पता नहीं लग पाया है। तो वहीं दक्षिण भारत में एक और शिव मंदिर है जिसकी बनावट बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है। आपको बता दे कि ये अद्भुत मंदिर बड़ और पीपल के पेड़ पर बना है। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन बड़ और पीपल के पेड़ पर बना ये मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। लोग यहाँ शिव जी की पूजा अर्चना और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। साथ ही ये मंदिर देश भर में जग रामेश्वर शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बड़ और पीपल के पेड़ के तने से बने हुए इस मंदिर के निर्माण को लेकर एक कथा प्रचलित है जो कि इस प्रकार है। बताया जाता है कि यहाँ एक पुजारी तपस्या में लीन थे और इसी दौरान उन्हें ऊपर से मंदिर के गुजरने का आभास हुआ। पुजारी ने अपनी तपस्या की शक्ति के दम पर मंदिर को वहीं उतार लिया और जगराम दुर्ग के पास इसे स्थापित किया। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर पेड़ पर ही उतर गया था, जिसके बाद सन 1765 में इस मंदिर में महादेव की मूर्ति की स्थापना हुई और जिसका नाम जगरामेश्वर रखा गया। इसके साथ ही मंदिर में शिव परिवार की भी स्थापना की गई है। बता दें कि मंदिर करीब 20 से 25 फीट की ऊंचाई पर है। इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।